Hey guys and welcome back to my channel. तो आज मैं explain करने जा रही हूँ रोबोट ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट फोर्टीन और इसके बाद तीन या चार पार्ट और बचे हैं फिर ये ड्रामा खत्म हो जाएगा एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइक वीडियो एंड शेयर विद एक्सप्लेनेशन एट फोर्टीन की शुरुआत में हम छोटे से नामसिन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से कह रहा होता है कि अगर आप यहाँ पे कभी दोबारा आएंगी तो फिर मैं भी मर जाऊंगा एंड देन अपने मन में कहता है कि ये पहली बार था जब मैंने झूठ बोला था बट मैं अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ आफ्टर दैट हम बड़े नामशिन को देखते हैं जिसके सामने ग्रैंड मिस्टर जिन को मारते हैं और कहते हैं कि अगर गलती तुम करोगे तो फिर सजा तुम्हें नहीं बल्कि मिस्टर जिन को मिलेगी ह्यूमन नाम शेन जब भी भागने की कोशिश करता था तो ग्रैंड पा उसे ऐसा करने से मना करते थे और कहते थे कि अगर तुम यहाँ से अपनी मॉम के पास जाओगे तो फिर तुम्हारी मॉम तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलेंगी क्योंकि तुम्हारी मॉम सेफ तभी तक हैं जब तक तुम मेरे साथ हो जिसके बाद ऐसी रियल नाम शिन जानबूझकर सभी के सामने बुरा बनने लगा और डेली नई नई लड़कियों के साथ घूमने लगा बट होटल के अंदर जाने के बाद वो तुरंत उन लड़कियों को वहाँ से बाहर भगा देता था आफ्टर दैट हम सोजोंगिल को देखते हैं, जो कि ग्रैंड से कह रहा होता है कि उस नर्स को पता है कि नामचिन के डैड ने सुसाइड नहीं की थी वहीं बाहर से ये सब रियल नामचिन भी सुन लेता है और इसी के बाद से वो रिपब्लिक अपने डैड के बारे में पता लगाने गया था और अपने डैड के साथ साथ वो वहाँ पे अपनी मॉम को भी फाइंड करने गया था बट मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरी मॉम ने मुझे छोड़कर एक रोबोट को बना लिया उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि आखिर मैं उस घर में कैसे रहता था ये सब सोचते सोचते रियल नामशिन जाकर रोबो नामशिन को जोर से मार देता है जिसके कारण उसके गाल में चोट लग जाती है तभी वहां पे लौरा भी आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड पा मिस्टर जिंग को बता देते हैं कि मुझे रोबो नामशिन के बारे में सब कुछ पता है मुझे ये भी पता है कि आखिर नामशिन की मॉम अभी तक कहाँ थी और क्या क्या कर रही थी और उस रोबोट को बनाने के लिए जिस फाउंडेशन ने लोरा को पैसे दिए थे वो फाउंडेशन किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही एच फाउंडेशन है बट इसके बारे में लोरा को कुछ भी पता नहीं ये सब सुनकर मिस्टर जिन ग्रैंडपा को सॉरी बोलते हैं एंड कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं ही रोबो नामसिन को रियल नामसिन की जगह पे लेकर आया था तो जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं अपनी कंपनी रियल नामचिन को नहीं बल्कि रोबो नामसिन को देने वाला हूँ जिसे सुनकर मिस्टर जिन कम्पलीटली शॉक्ट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं आप एक रोबोट को नामसिन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि रोबोट ह्यूमन से ज्यादा बेटर होते हैं और ये बात सुनते ही मिस्टर जिन चुप हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ हम लोरा को देखते हैं जो कि रोबो नामशिन का ट्रीटमेंट कर रही होती हैं। आफ्टर दैट कांगसो बंग एंड रोबो नामशिन वहाँ से चले जाते हैं लोरा रियल नामशिन के पास जाकर उससे कहती है की आखिर मैं तुम्हारे क्लोज आने के लिए क्या करूँ तो जिस पर रियल नामशिन कहता है कि जिस तरह मैंने आपका बीस सालों तक वेट किया है उसी तरह अब आपको भी मेरा बीस सालों तक वेट करना होगा जिसे सुनकर लोरा काफी ज्यादा सैड होती हैं। मिस्टर जिन कांग सुबोंग के पास जाते हैं एंड उसे सब कुछ बताते हुए कहते हैं कि ग्रैंड को पहले से ही रोबो नामशिन के बारे में पता था इसलिए अब हमें जल्द से जल्द रियल नामशिन को काम पे वापस लाना होगा बट इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है क्योंकि हम दोनों अपने अपने नामशिन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जिन रोबो नामशिन के पास जाकर उससे कहते हैं कि आज ऑफिस तुम नहीं बल्कि रियल नामशिन जाएगा वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि ही को छोटा नामशिन समझ कर उसपे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम अपनी मॉम के लिए रोना कब बंद करोगे ये सब सुनकर ही दोंग वहाँ से रोता हुआ बाहर आ जाता है और जाकर सारी बात रोबो को बताता है जिसके बाद रोबोनॉमश ग्रैंडपा के पास जाता है और यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि इस बार ग्रैंडपा को सचमुच डायमेंशिया है बट ग्रैंडपा ये बात रोबोनशिन को किसी और से बताने से मना करते हैं तो जिस पर रोबोनॉमशिन कहता है कि ठीक है मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगा बट इसके बदले में आपको भी हॉस्पिटल जाना होगा नेक्स्ट मॉर्निंग रियल नाम शिन कांगसो बंग को देख कर थोड़ा शॉक्ट हो जाता है क्योंकि उसने उसे जॉब छोड़ने के लिए कहा था एंड देन उससे काफी ज्यादा अजीब बिहेव करता है आफ्टर दैट अपने ऑफिस जाकर किताबों के बीच में कुछ ढूंढने लगता है तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आ जाते हैं तो रियल नाम शिन ऐसा करना बंद कर देता है और उनके जाते ही वो किताबों के बीच में फिर से किसी चीज को फाइंड करने लगता है वहीं दूसरी तरफ कांगसो भूंग के डेड रोबो नामसिन को पूरे जिम की साफ सफाई करने के लिए बोलते हैं और खुद अंदर जाकर आराम से बैठ जाते हैं उनका ऐसा बिहेवियर देख कर वो दोनों लड़के कांगसो भूग के डेड पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे रोबो नामशिन आ जाता है और उनसे कहता है कि मैंने पूरे जिम की साफ सफाई कर दी जिसे सुनकर वो तीनों कम्प्लीटली शॉक्ट हो जाते हैं एंड भागते हुए जाकर नीचे देखते हैं और कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनका पूरा जिम चमक रहा होता है देन नेक्स्ट सीन में हम रियल नॉमशिन को देखते हैं जो कि एम कार के एम्प्लॉय के साथ बैठा होता है और उनसे काफी ज्यादा अजीब बिहेव करता है और रियल नॉम्सिन का ऐसा बिहेवियर देख वो सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं और अपने आप से कहते हैं कि आखिर इन्हें हो क्या गया है कभी अच्छे बन जाते हैं तो कभी उतने ही बुरे जिसके बाद रियल शेन फिर से अपने ऑफिस जाकर किताबों के बीच में कुछ ढूंढने लगता है तभी उसे एक पेपर मिलता है जिसमें किसी का फोन नंबर लिखा होता है जब रियल शेन उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश करता है तभी उसका सिर जोर से दर्द करने लगता है जिसके कारण उसके हाथ से वो पेपर नीचे गिर जाता है तभी वहाँ पे कांगसो ब आकर रियल नामशिन की हेल्प करने की कोशिश करती है बट रियल नामशिन उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड पा रोबो नामसिन को भी सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता था तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि तब तो आपको ये भी पता रहा होगा कि अभी तक रियल नामशिन कोमा में था तो फिर आप उससे मिलने क्यों नहीं गए तो जिस पर ग्रांड कहते हैं कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उससे ज्यादा तुम पे है जिसे सुनकर रोबो नामसिन कहता है कि ये सब सुनकर रियल नामशिन को काफी ज्यादा हर्ट होगा मिस्टर जिन जब वापस ऑफिस आते हैं तो उन्हें वहाँ पे रियल नामशिन का गिरा हुआ पेपर मिल जाता है जो कि एक केयर हॉस्पिटल का कार्ड होता है वहीं दूसरी तरफ ही दोंग अपने गिफ्ट को देख काफी ज्यादा हैप्पी होता है जो कि उसके लिए रोबो नॉमशिन ने सेंड किया था तभी व पे रियल नामशिन आ जाता है जिसे देखकर ही डोंग उसे जाकर हक कर लेता है बट रियल नामशिन उससे काफी ज्यादा बुरा बिहेव करता है वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड पार रोबो नामसिन ऐसी कहते हैं कि तुम प्लीज मेरे डायमेंशिया के बारे में किसी और को मत बताना तो जिस पर रोबो नामसिन कहता है कि ठीक है बट आप प्लीज रियल नामसिन को धोखा देना बंद करिए क्योंकि ये मेरे लिए अनफेयर है कि मैं आपके बीमारी के बारे में जानता हूँ बट रियल नामशिन नहीं रोबो नाम शिन जब बाहर जा रहा होता है तभी सामने से रियल शिन आ जाता है वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने से ही दोंग की मॉम भी आ जाती हैं। बट रियल नाम शिन उन्हें रोबो नाम शिन को देखने नहीं देता है द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं रियल नाम शिन रोबो नाम शिन से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जैसी एक्टिंग करके कांगसो कांगसोबूंग का हाथ पकड़ूं और उसे किस करूं? रियल नामसिन की ऐसी बातें सुनकर रोबो नामसिन उसके पास जाहिर होता है कि तभी वहां पे कांगसो बूंग आ जाती है जिसके बाद हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां कांगसो बंगरो नामशिन को अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहती है वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जीन उसी नंबर के बारे में पता लगा रहे होते हैं तभी वहां का एक एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि थोड़ी देर पहले एक आदमी यहां आया था जो कि इसी नंबर के बारे में पूछ रहा था मिस्टर जिन उसे नामशिन की फोटो दिखाते हुए कहते हैं की क्या यही वो पर्सन है तो जिस पर वो आदमी कहता है की हाँ बिल्कुल बट ये आदमी काफी ज्यादा खड़ूस है वहीं दूसरी तरफ कांगसो बोंग अपनी रोबो नामशिन की पुरानी मेमोरीज को याद कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पे रियल नामशिन भी आ जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम हम दोनों में कंफ्यूज क्यों नहीं होती हो तुम्हारे अलावा सभी हमें देख कर कंफ्यूज हो जाते हैं बट तुम हमेशा उसे पहचान लेती हो क्या तुम उससे इतना ज्यादा प्यार करती हो तो जिस पर कांग्रियल नामसिन से पूछती है कि आखिर तुम उससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो मिस्टर जिन जब नामशिन के रूम जाते हैं तो वो नामशिन को देखते हैं जो कि रोबो नामसिन के पहने हुए सभी कपड़ों को बाहर फेंक रहा होता है जिसके बाद मिस्टर जिन भी जाकर उसकी हेल्प करते हैं एंड उसे सॉरी बोलते हैं क्योंकि आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कारण हो रहा है देन नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जिन रियल नाम को बताते हैं कि तुम्हारे मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब है बट रियल नामशिन इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है वही रोबो नामशिन अपनी मॉम की काफी ज्यादा केयर कर रहा होता है जिसके बाद वो डेविड को बाहर लेकर जाता है और उनसे कहता है कि आखिर आपने मेरी मॉम को धोखा क्यों दिया क्योंकि ग्रैंडपा को हमारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता था तो जिस पर डेविड कहते हैं कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत थी रोबो नामशन कहता है कि मुझे लगा कि मेरे बाद भी मेरी मॉम हैप्पी रहेंगी क्योंकि उनके पास तुम हो बट तुमने पैसों के लिए मुझसे और मेरी मॉम से झूठ बोला तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुमने मुझे अपने दिल से पैदा किया है बट मुझे ऐसे डैड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो कि पैसों के लिए अपनी फैमिली से झूठ बोलता हो वहीं दूर से ये सब रियल नामसिन भी सुन लेता है जो कि अपनी मॉम को यानी कि लॉरा को देखने आया होता है वहीं दूसरी तरफ हम कांसोबूंग को देखते हैं जो कि तैयार होकर रोबो नामसिन के साथ डेट पे जाने के लिए खड़ी थी बट रोबो नामसिन उसे देख कर भी इग्नोर कर देता है और जब कांगसो बूंग उससे बुलाती है तो वो उसे देखते हुए कहता है कि आखिर आप हैं कौन क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं जिसे सुनकर कांगसो बूंग उससे कहती है कि ठीक है तुम भूल जाओ मेरे बारे में मैं डेट पे अकेले ही चली जाऊंगी तो जिस पर रोबो नाम शेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी ज्यादा घूमते फिरते हैं एंड मस्ती करते हैं तभी सामने कांगसोबूंग एक पर्सन को देखती है जो की पियानो प्ले कर रहा होता है जिसे देख कर कांगसोबूंग काफी ज्यादा हैप्पी होती है कांगसोबूंग को इतना हैप्पी देख कर रोबो शिन अपने प्रोग्राम की हेल्प से पियानो बजाना सीखता है एंड देन जाकर कांगसोबूंग के लिए पियानो प्ले करता है उसे ऐसा देखकर पहले तो बोंग काफी ज्यादा हैप्पी होती है बट जब वो वहाँ पे सभी लड़कियों को रोबो नामशिन को देखते हुए देखती है तो उसे काफी ज्यादा जेल सी फील होती है इसलिए कांगसो बोंग जाकर रोबो नामशिन को वहाँ से ले जाती है द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में मूवी थिएटर में देखते हैं जहां वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं और वो मूवी इतनी ज्यादा सैड होती है कि कांगसो बूंग उसे देखते देखते वहीं पे रोने लगती है दैट्स वाई रोबो नामशिन उसके लिए नेपककिंस लेने बाहर जाता है एंड देन वापस आकर कांगसो बूंग के आंसू पहुँचता है मूवी देखते देखते रोबो नामशिन की आंखों में भी आंसू आ जाता है जिसे देखकर हमारी कांगसो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ट हो जाती है नामशिन अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि सच में ये मूवी काफी ज्यादा सैड है एंड दे की ओर देखते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हम दोनों को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी इसका मतलब कि ये रोबो नामशिन नहीं बल्कि रियल नामशिन है वहीं दूसरी तरफ हम रोबो नामशिन को रियल नामशिन के कार में देखते हैं जिसके हाथ में उसकी वॉश नहीं होती है और इसी के साथ हमारा पार्ट फोर्टीन यहीं पे खत्म हो जाता है थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय